स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। भैया एक सूखी पूरी देना। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुंबई के छुपे रुस्तम। महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही रिच फेस्टिवल होता है गुड़ी पाड़वा। आज से बरोबर एक हफ्ते में गुड़ी पाड़वा आने वाला है और जो गुड़ी पाड़वा का लंच होता है आप सब जानते ही हो कि गुड़ी पाड़वा का लंच कैसे होता है। इस लंच में एक बहुत ही अमेजिंग सा इन्ग्रीडियंट होता है श्रीखंड, अमृतखंड वगैरह। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ घर में बनता है सुपर अमेजिंग अमृतखंड एंड श्रीखंड। तो अब चलते हैं ऑल द वे अंबरनाथ और वहाँ पर जाके आपको बताते हैं कि आप ये श्रीखंड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये बनता कैसा है और इसका टेस्ट कैसे लगता है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। एंड फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं अंबरनाथ में। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस जहाँ पर आज मैं खाने वाला हूँ द ग्रैंड गुड़ी पाड़वा लंच और आपको दिखाने वाला हूँ कि अमृतखंड और श्रीखंड यहाँ पर घर पे कैसे बनता है। तो आगे की बातें जानते हैं अंदर जाने के बाद और देख भी लेंगे। चलो तो अंकल मैं ऑल द वे ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पर ये सुन के कि आप लोग यहाँ पे घर पे श्रीखंड और अमृतखंड बनाते हैं जो मुंबई में मुझे नहीं लगता मैंने कहीं भी देखा हूँ। तो उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है? अंदर आओ पहला वेलकम। तो अंदर चलते हैं। एक्चुअली पहली शुरुआत तो मैं ये करूँगा, हमारे माता जी का आशीर्वाद है और ये जो सब सिखाया माता जी ने सिखाया और तो वो तभी से मेरे को उम्मीद मिली कि नहीं चलो कुछ तो भी करेंगे कोई तो अच्छा काम करने का है। और माँ जी का आशीर्वाद है, माँ सामने थी तो हमको हम लोग ने वहाँ से उनसे ये लिया और आगे बढ़ते। मैं जो ये बनाता हूँ भैंस का दूध रहता है और बाकी का आप बोल रहे हैं वो पाश्चराइज दूध का रहेगा मेरे ख्याल से, इसके लिए उसका स्वाद और हमारा स्वाद में अलग ये है। और भैंसों का दूध का जो है ये है 2-3 महीना आराम से टिकता है वो। तो अगर एक ही बात टिफिन खोलने के बाद में पूरा वापस पैक करो और फ्रीजर में डाल दो तो एकदम आपको फ्रेश ही लगेगा कभी भी। तो आप अमृतखंड और श्रीखंड दोनों बनाते हो या फिर इसके अलावा कुछ और भी है? ऐसा तो दिवाली में पूरमपोली भी हम लोग बनाते हैं होली के दिन में तो उसमें इनका बहुत सहायता है तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा इतना। एक्चुअली दशहरा के दिन में दशहरा में भी श्रीखंड जाता है वो समझो 50-55 kg और एक 8-10 किलो अमृतखंड जाता है। दशहरा का माहौल कैसा रहता है? बारिश का दिन रहता है मगर गुड़ी पाड़वा बोलेगा तो हमारी हालत ख़राब होती है। क्यों? कि तीनों ही है, हम लोग ऐसा कोई वर्कर नहीं रख सकते, इतना अपना बड़ा बिजनेस नहीं है तो हम लोग तीनों मिलके जो करते हैं तो गुड़ी पाड़वा के दिन हम लोग को अच्छा ये मिलता है 120-125-122 किलो 5-10 किलो आगे पीछे हो जाता है क्या, हम लोग संतुष्ट हैं। और ऐसा कुछ है कि गुड़ी पाड़वा में श्रीखंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? समर सीजन होता है इसलिए लोग श्रीखंड ही ज़्यादा पसंद करते और अमृतखंड आम तो आते ही है ताजे, उसका वह बहुत बढ़िया स्वाद भी लगता है इसलिए श्रीखंड ही लगते हैं। तो अभी हम पूरा प्रोसेस देखते हैं और उसके बाद मैं गुड़ी पाड़वा स्पेशल लंच भी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये अमृतखंड और श्रीखंड आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो। कि गुड़ी पाड़वा है तो इस बार आपको श्रीखंड और अमृतखंड खाना तो है तो यही से मंगाओ। इस बार मैं खा के बताता हूँ कि टेस्ट कैसे लगता है। Thank you.
सो फाइनली आई एम रेडी फॉर माय गुड़ी पाड़वा प्रॉपर महाराष्ट्रियन लंच। मैं जिसमें बैठा हूँ उसे कहते हैं पाठ मराठी में, एंड जो फूड सर्व हुआ है एक चौरंगी में, और ये जो बनाना लीफ में फूड सर्व किया गया है इसके साथ जो डिज़ाइंस है इसे कहते हैं मेहरब। तो मैंने पूछा कि ये क्यों रखा जाता है, तो कहते हैं कि खाने के साथ ये जब रखते हैं उसको शुभ माना जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग द फूड। बट इसमें से दो ही चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो, दैट इज श्रीखंड एंड अमृतखंड। सो स्टार्ट करते हैं मसाला भात के साथ। इंडिया इज़ अ कंट्री वेर इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में हर लैंग्वेज में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और खाना इज़ ऑलवेज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी फेस्टिवल। गुड़ी पाड़वा जो है इट इज़ अ महाराष्ट्रियन न्यू ईयर, और इसमें भी ये जो खाना होता है इसका बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। पूरनपोड़ी है, पापड़ है, श्रीखंड अमृतखंड पूरी, आलू की सब्जी, दही, अचार और मसाला भात, ये सारी चीज़ें द कंप्लीट द लंच। सो नाउ लेट मी ट्राई वॉट आई हैव कम हियर फॉर, श्रीखंड एंड अमृतखंड जो मेरे आंखों के सामने बनाई गई है। लेट्स टेस्ट द श्रीखंड फर्स्ट। द फर्स्ट बाइट एंड यू एक्चुअली गेट टू नो डिफरेंस बिटवीन द पैक्ड श्रीखंड जो पैकेट्स में ब्रांडेड आते हैं जो हम खाते हैं, और इसमें घर पर जो बनती है उसका टेस्ट उतना ही अलग होता है। एकदम प्योर है द टेस्ट, इज एक्चुअली समथिंग यू वुड लव। लेट्स टेस्ट द अमृतखंड, दैट इज नथिंग बट अनदर वर्जन ऑफ श्रीखंड विथ मैंगो। द लव ऑफ मैंगो एंड द लव फॉर श्रीखंड, जब वो साथ में इतना अच्छा बनता है, यू डोंट हैव वर्ड्स। श्रीखंड और अमृतखंड खाना आपको अगर पसंद है यू एक्चुअली गोइंग टू फॉल इन लव विद इट। 6 दिन में गुड़ी पाड़वा आने वाला है, आप सब ऑर्डर कर सकते हो। जो नंबर पे आपको ऑर्डर करना है वो यहाँ पर नीचे है। तो जब तक मैं ये सब चीज़ खा लेता हूँ, आप लोग फटाफट जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है उस पर कॉल कर ये चीज़ें ऑर्डर कीजिए। एंड ट्रस्ट मी इट्स माई ओन गारंटी, यू आर गोइंग टू लव दीज थिंग्स। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगले एपिसोड का वेट करना। तब तक देखते रहिए मुंबई के छुपे रुस्तम सीज़न 2। और हाँ, तुम्हा सर्वांना गुढीपाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा।